पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड चयन आयोग की भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। तीन अलग अलग भर्तियां जिसमें 500 से ज़्यादा पदों की भर्ती अब यहां पर देखने को मिलेंगी 12th बेस पर, जो कि चयन आयोग करने वाला है। चलिए जानते हैं, नए अध्याचन आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं पूरी जानकारी के बारे में। तो कैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं समूह ग की तीन भर्तियों के अध्याचन मिले, तो यहाँ पर देखते हैं कि नई पदों की भर्ती अब आपको यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग की तीन भर्तियों का अध्याचन भेज दिया गया है। इसमें आपके अगर पदों की संख्या की बात करूँ तो व्यक्तिक सहायक है, कनिष्ठ सहायक है और यहाँ पर कर्मशाला सहायक के पद हैं। इसमें लगभग लगभग 500 के करीबन पद बताए जा रहे थे, इसमें कुछ पद बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, लगभग 500+ ही पद मिलेंगे। और यहाँ पर जो है नई अध्याचन यहाँ पर आ चुके हैं आयोग को, और इसमें आप लोग यहाँ पर देखते हैं अब आपको जो है यहाँ पर समूह ग पर तीन पदों की भर्ती अब UKEEE करेगा, जो कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग से नई भर्तियाँ जो है व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और यहाँ पर आज जो कर्मशाला सहायक, इन पदों की भर्ती मिलेगी। ज़्यादातर इसमें पोस्ट का लगभग लगभग 500 के करीबन कनिष्ठ सहायक, यानी कि कलर के लेवल की पोस्ट हैं जो कि 12th लेवल पर होंगी। तो इन पदों के लिए आप यहाँ पर तैयारी रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है शायद से आयोग जो है लगातार यहाँ पर आचार संहिता पहले निकालने की कोशिश करेगा जितनी भी भर्तियाँ हैं आयोग का। अभी इन पर परीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद भर्ती निकाल दिया जाए।